हेलो दोस्तों, आज हमें तोड़ मरोड़ का नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सिंपल तरीके से छोले भटूरे बनाकर तैयार करूँगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं आपको हर स्टेप को डिटेल में बताऊँगी, जिससे कि आपको ये रेसिपी एकदम आसान लगने लगेगी। फूले फूले भटूरे के साथ आप छोले का टेक्सचर देख सकते हैं। छोले हमारे कितने ज़्यादा है और कितने अच्छे टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुए हैं। छोले भटूरे की इस रेसिपी को देखने के बाद आपको और कोई दूसरी रेसिपी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको दिल्ली वाले के छोले भटूरे देखने को मिलते हैं, वैसा ही टेस्ट और वैसा ही कलर आपको हमारे इस छोले भटूरे की रेसिपी में देखने को मिलेगा। यह रेसिपी एकदम सिंपल और सरल है, तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भटूरे बनाने के लिए भटूरे का आटा गूंथ कर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 किलो मैदा। यहाँ पर मैं राजधानी ब्रांड की मैदा यूज कर रही हूँ। मैदा आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। राजधानी मैदा के 1/2 किलो का और 1 किलो का दोनों का पैकेट आता है। यहाँ पर मैं 1/2 किलो का पैकेट ले रही हूँ। इस पैकेट को कट करके सबसे पहले मैं मैदा को छलनी में डाल करके छानूंगी। मार्केट में खुली हुई मैदा भी मिलती है, आप उसको भी ले सकते हैं। 1/2 किलो मैदा में आपके बड़े साइज के 15 से 16 भटूरे बनकर तैयार होंगे। मैदा को थोड़ा थोड़ा करके छलनी में डालूंगी और इसको छानूंगी। जितने आपको भटूरे बनाने हैं, उस हिसाब से आप अपनी मैदा की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको दोपहर के टाइम भटूरे बनाकर तैयार करने हैं, तो आपको अपने इस मैदा को सुबह को गूंथ कर रखना है। अगर आप शाम के टाइम भटूरे बना रहे हैं, तो आपको अपनी मैदा को दोपहर के टाइम गूंथ कर रखना है। गूंथी हुई मैदा को 3 से 5 घंटे रखने से आपके भटूरे फूल कर आएंगे और भटूरे आपके क्रिस्पी बने रहेंगे। छोले भटूरे बनाने की रेसिपी बहुत ही ज्यादा सरल और आसान है। बस आपको जो समय लगने वाला है, वह गूंथी हुई मैदा में लगने वाला है। भटूरे के आटे को 3 से 5 घंटे रखना कंपलसरी है। आप इस बात को समझिए, मैदा आपकी जितनी ज्यादा अच्छी फूलेगी, आपका भटूरा भी उतना ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा, फूला फूला सा। ये देखिए, थोड़े थोड़े करके मैंने मैदा को छान दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 2 छोटी चम्मच डालना है। बेकिंग पाउडर से भटूरे में बहुत ही अच्छी फुलावट बनकर आती है। बेकिंग पाउडर भटूरे को फुलाने का काम करता है। 1/2 किलो मैदा में 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इससे कम यानी कि 250 ग्राम मैदा में 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। सबसे पहले बेकिंग पाउडर को मैदा के साथ करना है अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आपका भटूरा उतना ही ज्यादा मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी, जिससे कि बेकिंग पाउडर की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्सी में घुमाने से आपके सभी भटूरे फूल कर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भटूरा फूल रहा है, एक भटूरा नहीं फूल रहा है। हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। यहाँ पर मैं बड़े साइज वाला मिक्सी का जार ले रही हूँ। इसी में ही मैं सारा मैदा डाल करके एक बार में ही मिक्सी में घुमा दूंगी। बड़े जार को स्किप करके आप छोटा जार ले सकते हैं। उसमें आपको अपनी मैदा को 2 बार डाल करके मिक्सी में घुमाना है, क्योंकि 1/2 किलो मैदा एक बार में छोटे जार में नहीं आएगी। अब मैं इसको मिक्सी में घुमा रही हूँ। सिर्फ 1/2 मिनट के लिए ही मिक्सी में घुमाना है। हलवाई लोग इस स्टेप को नहीं करते, वे गूंथी हुई मैदा को बहुत ज्यादा पटकी देते हैं, जिससे कि बेकिंग पाउडर मैदा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। मैं इसको मिक्सी में घुमा करके रेसिपी को आसान कर रही हूँ, जिससे कि मैदा और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर आपको इसे सिर्फ 1/2 मिनट के लिए ही मिक्सी में घुमाना है। 1/2 मिनट मिक्सी में घुमा करके आपको इसे डाल देना उसी बाउल में। आपको अपने मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्सी में ज्यादा नहीं घुमाना, ज्यादा घुमाने से आपकी मैदा गर्म हो जाएगी। हमें भटूरे की मैदा गूंथने के लिए मैदा को गर्म नहीं रखना, ठंडा रखना रूम टेम्परेचर पर। 1/2 मिनट घुमाने से ही आपकी मैदा और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। मैंने मिक्सिंग वाली मैदा और बेकिंग पाउडर को कर दिया है बाउल में। अब मैं ले रही हूँ गुनगुना पानी। पानी आपका बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। मैदा में पानी डालने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप। 1 कप में डालना है पानी। यह मेरा 250 ml वाला कप है। इसमें आपका 200 ग्राम के करीब पानी आएगा। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें और मैदा गूंथनी है। मैदा गूंथते समय भटूरे का आटा सॉफ्ट रहना चाहिए। भटूरे का आटा जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा, बेकिंग पाउडर उतना ही अच्छा काम करेगा। गर्म पानी से बेकिंग पाउडर जल्दी एक्टिवेट होता है और वह मैदा को जल्दी फुलाता है। इसलिए आपको भटूरे बनाने के लिए अपनी मैदा को गुनगुने पानी से गूंथना कंपलसरी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालते जाना और मैदा को गूंथते जाना। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के एकदम फ्री देख सकते हैं। जितनी भी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस है, वे सब आपको सेम रेसिपी के साथ एकदम फ्री देखने को मिलेगी। 1 कप पानी डालने के बाद अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप। यह मेरा 125 ml का कप है। इसमें आपका 100 ग्राम पानी आएगा। पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और मैदा को गूंथती जाऊंगी। मैदा को गूंथने के बाद तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसमें पानी कितना कम कितना ज्यादा लगा। जैसा आप रोटी गूंथने के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे ही कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको अपनी मैदा की रखनी है। भटूरे का आटा गूंथते समय आटे को टाइट नहीं रखना है, सॉफ्ट और हल्का सा लूज रखना है। लूज रहेगा तो बेकिंग पाउडर भी अच्छा काम करेगा।
ये देखिए मैंने भटूरे की मैदा को गूंथ दिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। भटूरे की मैदा मुलायम और हल्की सी ढीली है। मुझे इसे गूंथने में 325 ग्राम के करीब पानी लगा है। मैदा गूंथने के लिए पानी आपको कम या ज्यादा लग सकता है, ये आपकी मैदा पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैदा कोई पानी कम लेती है कोई ज्यादा लेती है। मैदा को गूंथने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और मसलूंगी, जिससे कि हमारी मैदा हल्की सी चिकनी हो जाए। भटूरे का आटा तैयार करने के लिए आपको इसमें नमक दही कुछ भी नहीं डालना है। यह रेसिपी एकदम सरल और आसान है। भटूरे के आटे को हल्का सा चिकना करके अब मैं इसको पॉली बैग से कवर करूंगी। आप पॉली बैग या क्लिंग रैप कुछ भी ले सकते हैं। बड़े साइज का पॉली बैग लेकर आपको अपने बाउल को आटे के साथ पॉली बैग के अंदर रख देना है। मैं इसको 3 से 5 घंटे के लिए रखकर छोड़ूंगी, जिससे कि हमारा आटा जो है वह अच्छी तरीके से फूल जाए। आपको इसे बंद अलमारी में रख देना। बंद अलमारी में रखने से मैदा में जल्दी फुलावट बनकर आती है। मैं इसको ऊपर से ढक करके रख रही हूँ अलमारी में 3 से 5 घंटे रख करके, तब मैं इसे भटूरे बनाकर तैयार करूंगी। भटूरे के आटे को मैंने अलमारी में रख दिया है, अब मैं छोले बनाकर तैयार करूंगी। छोले बनाने के लिए आपको लेनी है 2 पोटली। ये हमारी सीक्रेट पोटली है, जिससे आपके छोले एकदम बजाज जैसे टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। छोले बनाने के लिए आपको लेना है मलमल का कपड़ा। मलमल के कपड़े के 2 छोटे छोटे टुकड़े कर देने। मलमल के एक कपड़े में आपको रखने हैं 5 से 6 छोटे साइज के तेज पत्ते। अगर आपके पास बड़े साइज के तेज पत्ते हैं तो उसके 2 से 3 टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा। आपको लेनी है 3 से 4 छोटे साइज की हरी इलायची। हरी इलायची के साथ साथ आप ले सकते हैं बड़े साइज वाली 1 इलायची। आपको छोटी और बड़ी दोनों इलायचियों का हल्का हल्का सा मुंह खोल देना इस तरीके से। इलायची का मुंह खोलने से छोले में बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर बनकर आता है। आप इसमें डाल सकते हैं 9 से 10 काली मिर्च। खड़े मसाले में 5 से 6 लेनी है लौंग। इन सभी खड़े मसालों को मलमल के कपड़े के ऊपर रखकर आपको एक छोटी सी पोटली बनानी है। खड़े मसाले से आपके छोलों में बहुत ही अच्छा खड़े मसालों का फ्लेवर बनकर आएगा। आप बड़ी और छोटी इलायची में से 1 इलायची ले सकते हैं, यानी कि आप बड़ी इलायची को स्किप करके छोटी इलायची, या फिर छोटी इलायची को स्किप करके बड़ी इलायची ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों ले, इससे आपके छोलों में बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर बनकर आएगा। अब मैं खोलने वाली हूँ दूसरी पोटली। दूसरी पोटली में मैंने डाली है 2 छोटी चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती से छोलों में बहुत ही अच्छा कलर बनकर आता है। अगर आपको चाय पत्ती का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चाय पत्ती की और खड़े मसालों की आपको अलग अलग पोटली बनानी है। 2 पोटली अलग अलग क्यों बनानी है, एक ही जगह क्यों नहीं बनानी है, यह सब आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अब मैं छोले उबालूंगी। छोले उबालने के लिए ले लिया है कुकर। कुकर में डालने हैं पानी में भीगे हुए काबुली चना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काबुली चना को रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। काबुली चना या फिर छोले आप कुछ भी कह सकते हैं। रात भर पानी में भिगोने के बाद एक बार फिर से पानी में धो करके मैं इन छोलों को डाल रही हूँ कुकर में। 250 ग्राम छोले यानी कि 1 कप और 1/3 कप छोले हैं। छोले बनाने के लिए छोले छोटे बड़े दोनों साइज में आते हैं, आप कोई से भी साइज का छोला ले सकते हैं। छोलों को उबालने के लिए आपको इसमें डालना है पानी। पानी डालते समय छोले पूरी तरीके से डूब जाने चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि छोले डूब जाने के बाद पानी 1 पोरवा ऊपर होने चाहिए। 1 पोरवा यानी कि उंगली का जो 1 हिस्सा होता है उतना आपका पानी छोले से ऊपर होना चाहिए। पानी डाल करके इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 पोटलियाँ। चाय की पत्ती से आपके छोलों में हल्का सा कलर चेंज होगा। अगर आपको अपने छोले को करना है बहुत ज्यादा काला तो आप ले सकते हैं सूखे आंवले। सूखा आंवला मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 10 से 12 सूखे आंवले लेकर के आपको इन्हें धो करके छोलों में डालने हैं। सूखे आंवले से छोले में बहुत ही अच्छा कलर बनकर आता है और इसका कोई फ्लेवर भी नहीं आता छोले में। सूखे आंवले को एक बार पानी में धो दिया है मैंने, अब मैं इनको डाल रही हूँ छोले के ऊपर। छोलों को बाजार जैसा काला करने के लिए आप ले सकते हैं सूखा हुआ अनार का छिलका। जिस समय आप अनार खाते हैं आप उसके छिलके को एक प्लेट में करके छांव में रखकर छोड़ दे, अपना आप ही सूख जाता है। छिलके के सूख जाने के बाद आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अनार के छिलकों को धो करके इसे भी छोले के ऊपर डाल रही हूँ। छोलों को काला करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिखाए, आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हल्के रंग के छोले बनाने के लिए आप 1 से 2 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको गहरे रंग के छोले बनाने हैं तो आप 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इन सब के बाद आपको लेना है 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से छोला आपका प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पकेगा। बाजार के छोलों में जो टेक्सचर और फ्लेवर देखने को मिलता है वह बेकिंग सोडा डालने से ही आता है। बेकिंग सोडा डाल करके इन सबको कर देना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। इन सबको मिक्स करके कुकर को बंद करके अब मैं इसको तेज आंच पर रखूंगी। तेज आंच पर 9 से 10 सीटियां लगाऊंगी। 9 से 10 सीटी में ही आपका छोला अच्छे तरीके से पक जाएगा। छोलों के अच्छे तरीके से गल जाने के बाद तब मैं इसे छोले बनाकर तैयार करूंगी। छोले अभी हमारे पक रहे हैं, इतने में सब्जियां कट करूंगी। सब्जियां कट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए बड़े साइज की 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। प्याज को, अदरक को और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। जैन स्टाइल छोले बनाने के लिए प्याज को स्किप करना होगा। जैन स्टाइल छोले बनाने का तरीका अलग है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ।
मैंने हरी मिर्च, प्याज और अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। आप छोले बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सब्जी हमारी चॉप्ड हो चुकी है, इनको मैं रख रही हूँ एक साइड में। छोलों के लिए मसाला बनाकर तैयार करना है। इसके लिए आपको लेना है 1.5 से 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच चटपटी लाल मिर्च का पाउडर डालना है। इसको आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये खाने में कम तीखी होती है, कलर देने का ज्यादा काम करती है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ MDH का चना मसाला। चना मसाला आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। चना मसाला जो होता है वह छोलों में अच्छा फ्लेवर देता है। 1.5 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें चना मसाला डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें डालना है अनारदाना पाउडर, ये छोलों को अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों देता है। आधी छोटी चम्मच डालना है गरम मसाला पाउडर, इसके बिना छोले अधूरे हैं। आप इन सभी मसालों में अनारदाना चूर्ण को स्किप कर सकते हैं। सारे मसालों को बाउल में डालने के बाद आपको इसमें डालना है 1/4 कप के करीब पानी, 50 ग्राम पानी लेना है। पानी डाल करके पानी और मसालों को दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। अगर मुझे मिक्स करने के बाद पानी कम लगेगा तो मैं इसमें पानी और डालूंगी। ये देखिए जितना पानी मैंने मसालों में डाला था वह सब मसालों ने सोख लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी डाल करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आप छोलों में हल्दी पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। पानी के मिक्स हो जाने के बाद आपको अपने मसालों की कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखनी है। ये मसाले अभी लूज कंसिस्टेंसी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रखे रखे ये और ज्यादा गाढ़े हो जाएंगे। छोलों में 9 से 10 सीटियां लग चुकी हैं, सीटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सीटी के खत्म हो जाने के बाद मैं खोल रही हूँ कुकर को। ये देखिए आप देख सकते हैं छोलों का कलर कितना अच्छा बनकर आया। इसमें जो पोटलियां पड़ी है उन पोटलियों को मैं कुकर में से बाहर निकालूंगी। दोनों पोटलियां निकालने के बाद जिस पोटली में खड़े मसाले, मैं उन खड़े मसालों को फिर से छोले बनाने के लिए यूज करूंगी। खड़े मसाले वाली पोटली को मैंने अलग रख दिया है। मैंने जो छोले उबालने के लिए अनार का छिलका, सूखा आंवला डाला था, उन सबको निकाल करके कटोरी में कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इन सबको उबले हुए छोलों में से अलग कर दिया। आपको इन्हें फेंकना नहीं है, आप इन्हें गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। तेज आंच पर 9 से 10 सीटी लगाने के बाद छोला जो है हमारा अच्छी तरीके से बेहतरीन पक चुका है। छोलों के पक जाने के बाद अब मैं छोलों के लिए मसाला बनाकर तैयार करूंगी। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, आप स्टील की कढ़ाई भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तेल में आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच बारीक सूजी। सूजी जो होती है वह छोले को गाढ़ा करने का बहुत ही अच्छा काम करती है। छोलों को गाढ़ा करने के लिए कुछ लोग बेसन को भून कर डालते हैं, लेकिन छोलों में बेसन डालने से बेसन अपना फ्लेवर छोड़ता है। सूजी को डालने से सूजी अपना फ्लेवर नहीं छोड़ेगी और छोलों को गाढ़ा करेगी। सूजी को हल्का सा भूनना है, जब आपकी सूजी का कलर बदलना शुरू हो जाए तभी आपको गैस को बंद कर देना और सूजी को कर देना एक बाउल में। ये देखिए कुछ मिनट में ही मीडियम आंच पर सूजी का कलर बदलना शुरू हो गया है। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद और सूजी को कर रही हूँ एक बाउल में। सूजी को लाइट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 से 2 बड़े चम्मच तेल। मसाला बनाने के लिए तेल आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिन खड़े मसालों को छोले उबालने के लिए डाला जाता है उन खड़े मसालों को पोटली में से निकाल करके आपको तेल में डाल देना है। मीडियम आंच पर तेल के साथ आधा मिनट रोस्ट करने के बाद तब मैं इसमें डालूंगी प्याज। रोस्ट करते हुए आधा मिनट हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। इसी में ही आपको बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक को दोनों को डाल देना है। ये सब डाल करके अब मैं इन सबको भूनूंगी। जब तक प्याज सुनहरी होनी शुरू नहीं होती तब तक इनको भूनना है। इन सबको भूनने के लिए आप अपनी गैस की आंच मीडियम से हाई रख सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसी में ही आपको 5 से 6 लहसुन की कलियों को चॉप करके डालना है, प्याज के साथ भूनना है। प्याज को 1 मिनट भून जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर इसको भूनने के बाद प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब ये सुनहरी होनी शुरू हो गई है। मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा, 1/8 छोटी चम्मच हींग। प्याज के सुनहरा होने तक इन सबको भूनना है। जैसे जैसे प्याज सुनहरी होती जाएगी जीरा और हींग भी अच्छी तरीके से भून जाएंगे। अब मैं इसको आधा से 1 मिनट के लिए भूनने वाली हूँ। 1 मिनट भून जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले वाला पेस्ट जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। अब मैं मसाले वाले पेस्ट को प्याज के साथ मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनूंगी। भूनते भूनते अगर आपको छोले का मसाला गाढ़ा लगने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल सकते हैं, 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब। मसाले के हल्के से भून जाने के बाद तब आपको इसमें डाल देनी है भुनी हुई सूजी जिसको हमने तेल के साथ भून कर रखा था। सूजी को डाल करके सूजी को करना है मिक्स। जैसे जैसे सूजी से मसाला गाढ़ा होता जाएगा आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। ऐसा करने से जो आपकी छोले की जो ग्रेवी है एकदम बजार जैसी बनकर तैयार होगी। मैं इसमें 1/4 कप के करीब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने वाली और इसको मिक्स करते जा रही हूँ। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। सूजी को मसालों के साथ थोड़ी देर पका करके तब आपको इसमें डाल देने हैं उबले हुए छोले। उबले हुए छोले और उसका पानी सब आपको इसमें डाल देना है।
सब डाल देने के बाद अब मैं इन सबको कर रही हूँ आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपको अपने छोले जितने ज़्यादा गाढ़े रखने हैं उस हिसाब से मैं पानी डाल करके आपको पानी इसमें एडजस्ट करना है। मैंने छोले उबालने में नमक यूज नहीं किया था। नमक आपको अब इस समय डालना है, आधी छोटी चम्मच से एक छोटी चम्मच के करीब नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। काले नमक से छोले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। नमक को कर देना छोलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स। नमक को मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको टेस्ट करूंगी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च का फ्लेवर रखूंगी। छोलों में सभी मसाले परफेक्ट है, छोले हमारे बनकर तैयार हो गए। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं रखने वाली हूँ गैस के ऊपर पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच के करीब घी। घी तेल कुछ भी ले सकते हैं आप। घी के हल्का सा गर्म हो जाने पर आपको इसमें डाल देनी है आधी छोटी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च के मिक्स हो जाते ही आपको इसे डाल देना छोले के ऊपर। इस तड़के को डालने से आपको अपने छोले यूनिक और टेस्टी दिखाई देंगे। तड़का डाल करके मैं तड़के के साथ इन सबको करूंगी आपस में मिक्स। आपको अपने छोले की थिकनेस अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। अगर आपको अपने छोले गाढ़े रखने हैं तो पानी कम डालें, पतले रखने हैं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा डालें। टेस्टी टेस्टी छोले बनकर तैयार है। छोले के बन जाने के बाद आपको इसे टेस्ट करना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च का फ्लेवर रखना है। छोलों के पूरी तरीके से बन जाने के बाद मैं इनको कर रही हूँ एक बाउल में। अगर आप लोहे की कढ़ाई में छोले बना रहे हैं तो छोले के बन जाने के बाद तुरंत आपको दूसरे बर्तन में करना है, नहीं तो छोले आपके कढ़ाई में पड़े पड़े और ज्यादा काले हो जाएंगे। बाजार जैसे दिखने वाले टेस्टी टेस्टी छोले बन चुके हैं। भटूरे के आटे को रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं भटूरे के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करूंगी। फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर को करना है बारीक कद्दूकस। 1/4 छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें डालना है नमक। फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें डालना है सौंफ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आता है फिलिंग में। 1/4 छोटी चम्मच के करीब डालना है लाल मिर्च का पाउडर। 1/8 से 1/4 छोटी चम्मच के करीब आपको इसमें डालना है हल्दी पाउडर। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें हमने जितने भी मसाले डाले हैं उन सभी मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मिक्स करते समय पनीर में जो दाना होता है वह दाना पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। पनीर आपका एकदम चिकना हो जाना चाहिए। पनीरों मसालों को इन दोनों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पनीर और मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। पनीर एकदम चिकना हो गया है। यहाँ पर हमारी भटूरे के लिए फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। भटूरे के आटे को रखे हुए 4 घंटे के करीब हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर से पॉली बैग और प्लेट को हटा करके इससे भटूरे बनाकर तैयार करूंगी। भटूरे बनाने से पहले आपको अपने इस आटे को एक बार फिर से हल्का सा मसल देना है, जिससे कि आपका जो आटा है वह ठीक से चिकना हो जाए। आटे को हल्का सा चिकना करने के बाद अब मैं इसे भटूरे बनाकर तैयार करूंगी। मैं इसमें से तोड़ रही हूँ एक लोई। एक एक करके लोई तोड़ती जाऊंगी और भटूरे बनाती जाऊंगी। बाकी के बचे हुए आटे को आपको इस तरीके से पॉली बैग से ढककर रखना है। सबसे पहले आपको आटे की लोई को हल्का सा बेलना है। इसके ऊपर आपको रखनी है 1 छोटी चम्मच के करीब पनीर की फिलिंग। फिलिंग रख करके आपको इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर कर देना है। जितने मैं इसको बेलूंगी इतने मैंने दूसरी साइड गैस पर तेल रख दिया है भटूरे को तलने के लिए। फिलिंग को कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा निकलता है उस आटे को निकाल देना है। भटूरे के आटे को बेलने से पहले आपको चकले पर लगा लेना है हल्का सा तेल और आटे के ऊपर भी तेल लगा देना है हल्का सा। तेल हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तेल लगा करके अब मैं इसको बेलूंगी। जितने बड़े साइज का भटूरा बनाने के लिए आपने लोई ली है उसी साइज के हिसाब से आपको इसे बेलना है। इसको बेलते समय किनारे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। सिंपल और आसान तरीके से मैं छोले भटूरे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसी तरीके से आप डोसा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। साउथ इंडियन रेसिपी डोसे को भी हमने सिंपल और आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है। उसकी रेसिपी का लिंक आपको हमारे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैंने इसको बड़े साइज में बेल दिया है। बड़े साइज में बेलने के बाद अब मैं इसको तलूंगी। तलने के लिए तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसको डालने वाली हूँ कढ़ाई में। भटूरे को तलने के लिए कढ़ाई आपकी फैलवा होनी चाहिए और तेल बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। इतना कम होना चाहिए कि आप एक भटूरे को आसानी से तल सके। भटूरे को तलते समय तेल आपका न तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। इतना ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए कि इसमें से धुआं निकलता रहे और इतना ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए कि भटूरा आपका फूले ही नहीं। भटूरे को तेल में डालते ही आपको अपनी पोनी से भटूरे को चारों तरफ से तेल में अच्छे तरीके से डुबोना है। उसके बाद इसको पलट देना है। पलटते ही आपको इसे पोनी से नीचे की तरफ दबाना है। जैसे आप नीचे को दबाओगे आपका भटूरा ऊपर को फूल कर आ जाएगा। बस आपके ये 2-3 स्टेप है जो आपको भटूरे को तलते समय ध्यान में रखने। अगर आप अपने भटूरे को बहुत ज्यादा तेज गर्म तेल में तलते हैं तो आपका भटूरा ठंडा हो जाने के बाद एकदम मुलायम हो जाएगा। इसलिए आपका भटूरा ठंडा हो जाने के बाद ही फूला फूला रहे, इसलिए तेल जो है वह न तो बहुत ज्यादा गर्म हो और न ही बहुत ज्यादा ठंडा हो। ये देखिए आपको हमारे भटूरे का कलर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा बनकर आया। आपको अपने भटूरे को कितना हल्का कितना डार्क सेकना है ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। टेस्टी टेस्टी फीलिंग के साथ यहाँ पर हमारा टेस्टी टेस्टी भटूरा बनकर तैयार है।
भटूरे तलने वाले स्टेप को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। भटूरा डालते ही आपको इसे पोनी से चारों तरफ से अच्छी तरीके से तेल में डुबोना है। जब आपका भटूरा तेल में अच्छे तरीके से डूब जाए तभी आपको एकदम फौरन से पलट देना है और ऊपर से दबाना है। जैसे जैसे आपका भटूरा तेल में डूबेगा आपका भटूरा ऊपर को फूल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने सभी भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। भटूरे को तलते समय बस आपको तेल का ध्यान रखना है कि आपका तेल जो है कितना ज्यादा गर्म है और कितना ज्यादा ठंडा है। जब मैं भटूरे की रोटी को बेलना शुरू करती हूँ उस समय मैं गैस की आंच को एकदम कम कर देती हूँ। जब मेरी रोटी बन जाती है और तब मैं गैस की आंच को आधा मिनट पहले तेज कर देती हूँ। ऐसा करने से तेल न तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और न ही बहुत ज्यादा गर्म होता है। भटूरे ठंडे हो जाने के बाद भी फूले फूले रहे, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है तेल में धुआं निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। धुआं निकलते हुए तेल में भटूरे तलने से आपके भटूरे ठंडा हो जाते ही मुलायम हो जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है, जब आपका भटूरा पूरी तरीके से फूल जाए तब आपको गैस की आंच को मीडियम कर देना है जिससे कि आपका भटूरा क्रिस्पी बने। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे भटूरे कितने ज्यादा फूले फूले बनकर तैयार हो रहे हैं। आप हमारी इस रेसिपी से अपने भटूरे फिलिंग वाले या फिर बिना फिलिंग वाले कैसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको हमारे फूले फूले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने छोले भटूरे की प्लेटिंग कर दी है। प्लेटिंग में आप देख सकते हैं मैंने अपने छोले भटूरे को चटपटे आलू के साथ और चटपटी हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। भटूरे के ठंडा हो जाने के बाद आप देख सकते हैं भटूरा हमारा फूला हुआ है और क्रिस्पी बना हुआ है। ऐसे फूले फूले बाजार जैसे भटूरे की रेसिपी को देखकर क्या आप नहीं चाहोगे कि हम भी ऐसे भटूरे बनाकर तैयार करें। आप हमारे घर पर बनाए गए बाजार जैसे छोले भी देख सकते हैं। छोलों का टेक्सचर देखिए, छोलों का टेक्सचर कितना अच्छा बनकर आया है। छोले में घी तेल आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। टेस्टी टेस्टी छोले, टेस्टी टेस्टी भटूरे, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ हमारे इस रेसिपी से छोले भटूरे बनाने के बाद आपको और किसी की छोले भटूरे की रेसिपी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोले का टेक्सचर मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको भटूरे के अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। फिलिंग से बना भटूरा खाने में बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। फीलिंग से बने भटूरे की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको एक बार नहीं बार बार पसंद आएगी। भटूरे को तोड़ने के बाद अब मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज्यादा जबरदस्त टेक्सचर बनकर आया है। छोले भटूरे की रेसिपी को शेयर करते करते बहुत देर हो चुकी है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब मैं जल्दी से छोले भटूरे को कर देती हूँ पेट में रफा दफा। दोस्तों इस टाइप की और भी बहुत सारी घरेलू रेसिपियां हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उन सभी रेसिपियों को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको हमारी सभी रेसिपियाँ एक के बाद एक जबरदस्त लगने वाली है। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारे छोले भटूरे बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और छोले भटूरे की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से एक और घरेलू रेसिपी के साथ मैं आपसे जल्दी से जल्दी मिलने वाली हूँ। अगली रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।